हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश खुशहाल होंगे। हम लोग भी बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैंने कल बनाए थे समोसे, काला चना। तो रात को ही मैंने सारा प्रिपेयर करके रख लिया था, बस मॉर्निंग में पराठे बना लिए। और ये हमारा नाश्ता है, गरम गरम चाय, काला चना की सब्ज़ी और पराठा, समोसे। और अभी हम लोग जा रहे हैं रियाद के पास में, एक लेक पार्क एरिया है, वो काफ़ी अच्छा है। और देवजीत पहले जा चुके हैं तो हमें सोचा कि हम लोग भी एक बार हो आते हैं, क्योंकि गर्मियां यहाँ बढ़ती चली जाएंगी, उसके बाद तो यहाँ पे इतना आउटिंग कर ही नहीं पाएंगे दिन में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो लेक पार्क का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। यहाँ पे थोड़ा और पहले आते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना हम लोग ज़्यादा देर तो रुक नहीं पाए, बट हमें अच्छा लगा यहाँ पे आ के। Give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Uri bawale, uri bawale. মিমি তুমি দে বাইরে এসেছে कोई बात नहीं, दीजिए जो तो लड़ाई हो रही है इनमें तो। I'm giving you my love, giving you my love, love, love.
लेक पार्क से घर की तरफ आ रहे थे तो बीच में सैको पड़ा, और सैको में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट होने वाला है तो इसी वजह से खूब अच्छा डिस्काउंट भी है, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी कर रखी है सभी जगहों की, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स देखे और यहाँ कुछ डिस्काउंटेड रेट पे थे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि कुछ आगे अगर लेने का मन होगा तो ये सबसे सही समय है कि घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मिमी को ना अपने साइज़ की सोफ़े मिल गए थे, रिक्लाइनर से बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के, तो वो तो छोड़ ही नहीं रही थी। शाम को हम लोग रेड चेरी रेस्टोरेंट गए क्योंकि होली आने वाली है। होली मतलब आज जैसे कि सैटरडे है और वेडनेसडे की होली है, तो हमने सोचा कि इस बार घर पे कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ मुझे नहीं मालूम कहाँ मावा मिलता है, तो मैं गुजिया वगैरह घर पे तो बना नहीं सकती और मिमी भी मेरे साथ है क्योंकि उसकी तो स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो मेरे बस की तो है नहीं कुछ भी बनाना क्योंकि वो मुझे कुछ भी बनाने नहीं देती, बहुत परेशान करती है कुकिंग के टाइम पे। और गुजिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो जने का हाथ तो चाहिए ही चाहिए, एक बेलेगा एक भरेगा, सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगती है होली की, और पहली बार इसी वजह से घर में कुछ भी नहीं बना पाई मैं होली के लिए स्पेशल, बना दही बड़े और ये सारी चीज़ें तो मैं हर बार ज़रूर बनाती थी बट इस बार नहीं हो पाया। और यहाँ पे रेड चेरी रेस्टोरेंट है, उसमें सारी मतलब होली की आइटम्स तो थी ही थी, जैसे गुजिया हो गया, नमक पारे और साथ में मटरी, बट हाँ और यहाँ की इंडियन स्वीट्स भी बहुत अच्छी हैं रेड चेरी रेस्टोरेंट की। सो गाइज, आज है होली का दिन, मैंने मिमी को रेडी कर दिया है। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई हो मैं यही आशा करती हूँ भगवान से। मैं रेड चेरी रेस्टोरेंट से गुजिया ले आई थी घर पे और साथ में नमक पारे ले आई थी। मिमी होली में उड़े रे गुलाल, आयो रे मांगे तारे रे। मैंने ये सेवई की खीर बना ली है क्योंकि घर पे मैंने अपने हाथों से अभी तक कुछ भी नहीं बनाया था होली के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सेवई की खीर बना लेती हूँ। ओ यहाँ बैठूं, यहाँ बैठ। सबसे पहले अभी हम लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा भगवान जी को रंग चढ़ाएंगे। हम सबसे पहले गुलाल अपने बड़ों को चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मम्मी पापा तो है नहीं, हम लोग दोनों अकेले हैं, तो इसी वजह से सबसे पहले हम लक्ष्मी गणेश जी को रंग चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे को लगाएंगे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे को सिंह चले लोक की सवारी, अंदन को आंक देत कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे डैडा क्यों पड़े चल। ठाकुर के लगा इसको हाँ करो ना करो और क्या सब करोगे पोती पे सूर्य दो लगा दो गन्नू बाबा के लगी दो बोलो हैप्पी होली साईं बाबा को भी लगा दो गुड हैप्पी होली अली वाली अली वाली ठीक
कितने अच्छे से लगवा रही है। हाँ सोफे पे नहीं लगाना ना, डैडा क्यों लगी हैप्पी होली कर दो डैडा क्यों होली 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 वाली नहीं हुई सब जगह लगा ड्रॉइंग की तरह कर रही है बस चीके लगी दो चीके तसल्ली के साथ पूरे एकदम बस तुम ही लगाओ मामा के लगाओ दम तुम ही वीडियो बनाओ बस नो पूरा ड्राइंग कर ड्राइंग नहीं करना है अच्छी अच्छी लगाते अच्छी अच्छी कर किधर आ जाओ कौन किया मम्मी के साथ ऐसे डैडा ने क्या किया मजा डैडा ने मजा कर लिया चलो चलो मम्मी हप्पू बनाएंगी यम्मी यम्मी हप्पू नहीं नहीं खाबे मिमी तो किच्चू खा सो हो गई होली और क्या था दो जने हम दोनों सिर्फ अकेले यहाँ पे हैं और मुझे नहीं लगता कि इंडिया से जब भी बाहर निकलें तो इंडिया जैसी वाइब्स कहीं भी मिल सकती है इंडिया में ही रह के अपने सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं अब तो होली कुछ होती ही नहीं है जब हम छोटे थे तो मतलब हमारी कॉलोनी में ऐसे ग्रुप्स में जाया करते थे जैसे जेंट्स लोग का अलग ग्रुप हुआ करता था लेडीज़ का अलग और बच्चे तो अपना उधम पूरे दिन काटते ही थे तीन दिन पहले से बच्चों की होली शुरू हो जाती थी पानी में भीगना कलर लगाना और गंदे कपड़े गंदे करना मतलब आजकल तो कुछ है ही नहीं अब तो मिमी को भी नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं कि हमारे फेस्टिवल्स क्या होते हैं हमारे रिचुअल्स क्या होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि थोड़ा बहुत घर पे ही रह के अगर मैं उसको सिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाइब्स लाना मुश्किल है और बस हम लोग को अपना कल्चर मेंटेन ज़रूर करना चाहिए तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिमी को सिखाती रहती हूँ बताती रहती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़े से ना अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इम्पोर्टेंस हर चीज़ की अलग अलग हो जाती है अब तो शायद इंडिया में भी इतने अच्छे से नहीं मनाते हैं पहले तो पता ही नहीं चलता था कि आपका बच्चा कहाँ पे है किसके घर पे है और हर घर में दही वड़े बनते थे हर घर के दही वड़ों का टेस्ट अलग होता था और हम जैसे मतलब मम्मी लोग जैसे टोलियों में जाते थे तो हर घर का खा खा के पेट इतना फुल हो जाता था कि अपने घर आने के बाद खाने का नंबर ही नहीं लगता था तो बस मैंने आज सोचा कि मैं दिल्ली स्टाइल में छोले भटूरे बनाती हूँ तो मैंने छोले प्रिपेयर करे हैं और साथ में मैंने पनीर को फ्राई करके घी में फ्राई करके छोले में ऐड कर दिया है और भटूरे का आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था जिससे कि अभी तक फर्मेंट हो जाए तो सबसे पहले मैंने उठ के भटूरे का आटा ही गूंदा था आज मैंने दीपजीत को ऑफिस भी नहीं जाने दिया क्योंकि मैंने उनको बोला कि घर में मैं अकेली रहूँगी तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है और वही है ना कि अगर मैं अकेली हो जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं और वो साथ में रहेंगे तो कम से कम त्यौहार त्यौहार जैसा तो लगेगा इस वजह से इस बार वीकडेज में पढ़ने की वजह से ना हम किसी से मिल भी नहीं पाए अगर वीकेंड होता तो पूरी मैं अपने फ्रेंड के ग्रुप्स को घर पर बुला लेती तो हम एक अच्छी सी होली सेलिब्रेशन तो कर ही सकते थे नहीं सजा रही हो अपनी सारी चूड़ियाँ निकाल के सजा रही थी तुम आपने गुजिया खाई आपने हैप्पी होली बोलो हैप्पी होली गाइस को बोल दो सबको ओ मिमी बात नहीं सुनती लड़की बिल्कुल भी बोलो हैप्पी होली बोल दो सबको
बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। जो गुजिया हम लोग रेड चेरी से लेकर आए थे वो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, घर जैसी तो नहीं मैं बोलूंगी कि मेरी मम्मी के हाथ की जैसी थी या हम लोग जैसे बनाते हैं वैसी तो नहीं थी, बट हाँ ये है कि कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है। गुजिया से ही होली की वाइब्स आने लगती हैं, तो वही था। और अभी हम लोग लंच और ब्रंच जो भी आप कह सकते कह लो वो बना कर लेंगे हम लोग, तो क्योंकि देव जी इतने सुबह भी हम लोगों ने पहले पूजा से पहले कुछ खाया तो था नहीं, तो अभी हम लोग वही है कि लंच कर लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम शाम को निकलेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन आज मन तो है एक मॉल जाने का, क्योंकि इतने अच्छे रमज़ान के डिस्काउंट लगे हैं, तो मॉल जाके थोड़ा देख आएंगे, मम्मी भी अपना इन्जॉय कर लेगी थोड़ा वही उसके प्ले जोन एरिया में वो इन्जॉय कर लेगी। और आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था ना देव जी को, इतनी भूख लग गई थी। मैं आप लोग को छोले का व्यू देने वाली थी कि छोले कितने ही सुंदर लग रहे थे, धनिया पत्ता भी नहीं डालने दिया उन्होंने, इतनी उनको भूख लग रही थी। तो फिर मैंने वो सर्व कर दिया, उसी में ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया धनिया पत्ता। और बस मैं अभी आप लोगों के साथ लंच करके मिलती हूँ। तुमको किसने बोला टेबल पे चढ़ के बैठने के लिए? हम खाना खाएंगे। सो गाइस, किचन मेरी सारी क्लीन हो चुकी है। मैंने खाना वाना करके ना सबसे पहले किचन क्लीन करी, क्योंकि किचन गंदी पड़ी रहती है तो मेरा मन बहुत ख़राब सा लगता है, पहले किचन क्लीन करूँ। और मैंने बैठाया मम्मी के लिए राइस होने के लिए, क्योंकि मम्मी राइस खाने वाली है, उसका कुछ दिनों से वही एंटीबायोटिक पे थी, उसकी मेडिसिन चल रही थी, तो बिल्कुल भी उसको मतलब उसका टमी को ना आराम ही नहीं मिला मेडिसिन और ये सब में ना उसका टमी बहुत अपसेट हो गया। तो मैं उसको अभी पूरियाँ और ये सब ऑयली नहीं देना चाहती, लेकिन त्यौहार पे ना ये सारी चीज़ें बनानी भी पड़ती है क्योंकि शुभ भी मानी जाती है। तो मैंने उसके अपने लिए तो हम लोगों ने भटूरे बना लिए थे, बट उसके लिए मैंने अभी राइस बनाने के लिए बैठाए हैं। तो थोड़ा सा छोले के साथ सर्व कर दूंगी उसको, थोड़ा दही भी रखा है तो थोड़ा सा आज बहुत दिन बाद उसको दही दूंगी। उसको दही बहुत पसंद है लेकिन वो खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि विंटर्स थे और उसको कोल्ड भी हो रखा था। बाकी आज मैंने देवजीत को ऑफिस से नहीं जाने दिया क्योंकि यहाँ पे ना फीलिंग तो आती नहीं है फेस्टिवल की, लानी पड़ती है। तो देवजीत भी अगर ऑफिस चले जाते तो मैं और मम्मी बहुत अकेले हो जाते, तो मैंने सोचा कि आप आज मत जाओ तो फिर हम लोग थोड़ा सा साथ में छोटा मोटा ही सही लेकिन साथ में अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, इसीलिए मैंने आज उनको ऑफिस नहीं जाने दिया। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं ना, अपने देश की बात ही अलग है। कोई नहीं, फिलहाल तो अभी आज हो गया सारा सेलिब्रेशन जो होना था, इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो बस अभी देखते हैं शाम को, मैंने या तो आज या तो कल यहाँ पे ना लुलु मुरब्बा में होली फेस्टिवल का एक छोटा सा फंक्शन होगा, मतलब कुछ एग्जीबिशन या कुछ ऐसा है, क्लियर नहीं हूँ मैं। वहाँ जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। इसमें कौन बैठेगा? मिमी और मामा। हाँ? दादा। मामा। मामा किसकी? तेतुन। तेतुन बैठो। हाँ। अभी? अभी खुदा बैठने। अभी नहीं पता कहाँ कौन कहाँ बैठेगी। पता नहीं अभी। अच्छी लग रही है तुमको ये वाली कार? हाँ। ओ, बस जैसी लग रही है हमको तो ये। इतना बस नहीं है। क्या है ये? उन्हों बस खो गई। ओ, मून तो इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से। वाओ, ये रहा मून, कितना सुंदर मून है आज।
तो अभी हम लोग आ गए रियाद गैलरी मॉल। मैंने आप लोगों को बताया ना, रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी सेल चल रही है, प्लस भीड़ भी बहुत ज़्यादा है मॉल में। तो भाई वही हम लोग भी थोड़ा सा, बस यही है कि हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे और मिमी को प्ले जोन में ही घुमा दूंगी मैं। और मिमी को ना ऐसे ही ले आए हैं, उसके शूज़ घर पर ही भूल गए और गाड़ी में बैठ के ध्यान है उसके शूज़ ही नहीं पहने, क्योंकि मैं गाड़ी में उसको शूज़ पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो गाड़ी में आगे पीछे करती रहती है, शूज़ से सारी सीट्स गंदी हो जाती हैं। तो सबसे पहले बैग्स में जाके उसके लिए शूज़ लूँगी एंड देन फिर उसको थोड़ा सा प्ले जोन में घुमा देंगे। मिमी, मिमी, ओए लड़की, बैठी गाड़ी में एलिफेंट को देख रही है। सो गाइज, अच्छा नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था ना, लुलू में छोटा सा एक कल्चरल प्रोग्राम है जो कि हमारे होली सेलिब्रेशन का ही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं लुलू मुरब्बा में, तो वहाँ पे मतलब रियाद रेवेन्यू मॉल में जा रहे हैं, उसका नाम लुलू मुरब्बा ही पड़ गया है। तो उन्होंने की तरफ से ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये देखिए, रमज़ान की वजह से रियाद रेवेन्यू मॉल को कितना सुंदर सजाया है। रमज़ान की वजह से ना इतना, मतलब पूरे सऊदी में एक अलग ही रौनक है, अलग ही चमक है। अभी ना जैसे जैसे रमज़ान पास में आएगा, मैं जो भी व्लॉग्स बनाऊंगी या जो भी शूट करूंगी ना, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इवन ना मतलब एक अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे जब रमज़ान के महीने में। मैं जब इंडिया जाऊंगी ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस करूंगी जब मैं इंडिया में सेटल हो जाऊंगी, कि हाँ मैं लाइफ में कभी सऊदी में रही थी और मैंने रमज़ान को इतने करीब से नोटिस किया। जब मैं जैसे मेरठ में भी रहती हूँ ना, तो हाँ मेरठ में मतलब इतना हमने कभी इतना कल्चर को इतने क्लोजली नहीं देखा, बट यहाँ के बड़ा अच्छा सा लगता है। और देखो कितना सुंदर सजाया है, लाइटिंग वगैरह यहाँ पे इतनी अच्छी करते हैं ना, बड़ा मज़ा ही आता है। तो अभी लुलू जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे होली का क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ये तो मैंने देखा है। यहाँ पे ना बच्चे बहुत ही इंथू हैं बच्चों के अंदर, और इतना अच्छे से उन्होंने अपने कल्चर को मेंटेन किया हुआ है, देख के बड़ा मज़ा सा आता है। और बिल्कुल ना, मैं जब भी लुलू मुरब्बा आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं रियाद में रह रही हूँ। और इतने सारे इंडियंस हैं ना यहाँ पे, यहाँ आके पता चलता है, क्योंकि यही एक मॉल है जहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं। बाकी दूसरे किसी मॉल में तो मैं सऊदी लोगों को ज़्यादा देख पाती हूँ, तो फिर वहाँ पे इतनी फीलिंग नहीं आती, लेकिन यहाँ बिल्कुल इंडिया वाली वाइब्स आती है। और कुछ पेंटिंग्स तो इतनी सुंदर थी कि बस मैं क्या बताऊँ, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। और कुछ और गेम्स भी, एक्टिविटीज़ भी हो रहे थे, और देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर ही रुके हम, ज़्यादा देर नहीं रुके। और यहाँ पे लुलू के अंदर ना कलर्स भी मिल रहे हैं, और प्लस बलून्स मिले हैं, वाटर बलून्स, देन पिचकारी मिल रही है, मालूम ही नहीं था, और ड्रेसेस भी मिल रहे हैं। तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि अब तो भाई रियाद में भी इतनी रौनक हो गई है इंडियन कल्चर्स की, मतलब इंडियन कल्चर की, इंडियन फेस्टिवल्स की। बड़ा ही मज़ा आया। और मिमी मेरी पूरी उस्ताद है, उसको थोड़ी देर के लिए लेकर के आई हूँ, पूरे उसने हंगामा मचा देती है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, उसका बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो चलिए गाइस, बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए हम लोग। मेरा मन तो है वीकेंड में फ्रेंड्स लोगों के साथ में कुछ छोटा सा गेट टुगेदर करने का, बहुत टाइम हो गया नहीं किया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं सऊदी के प्यारे प्यारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लिख के आती रहूँगी, और इस तरह के फैमिली व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, और मेरे व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।